अगर वालों को हक दिए गए, वहीं पहाड़ी कबीले को हक दिए और वहीं ओबीसी को भी 8% आरक्षण के दायरे में पहली बार जम्मू कश्मीर में लाया। इससे पहले की जो सरकारें थी कांग्रेस, एनसी और पीडीपी, उन्होंने तो ओबीसी का नाम खत्म किया था। जम्मू कश्मीर हर जगह सिर्फ बीजेपी है, अपोजिशन को, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं कि उनको इलेक्शन में किसे खड़ा। बीजेपी का अध्यक्ष होने के नाते मुझे 5 की 5 सीटें जीतकर मोदी जी को गिफ्ट देना, ये मेरी जिम्मेवारी है। दोहरा रहा है कि अब की बार मोदी सरकार 400 के पार, और मैं देख रहा हूं जो लोगों में जोश व जुनून है, रियासी हो, जम्मू हो, उधमपुर, सांबा, कठुआ, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो या कश्मीर घाटी हो, चारों दिशाओं में आज भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है और कार्यकर्ताओं में और लोगों में जबरदस्त जोश और उत्साह है। ओबीसी वाले लोग 27 रिजर्वेशन के लिए मांग कर रहे हैं। पहली बार ओबीसी हो, गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले के लोग हो, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, समाज के हर वर्ग को आज न्याय बीजेपी ने दिया है, मोदी सरकार ने। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन से काम किया है। जहां गुजर बकरवालों को हक दिए गए, वहीं पहाड़ी कबीले को हक दिए और वहीं ओबीसी को भी 8% आरक्षण के दायरे में पहली बार जम्मू कश्मीर में लाया। इससे पहले की जो सरकारें थी कांग्रेस, एनसी और पीडीपी, उन्होंने तो ओबीसी का नाम खत्म किया था। ये वापस नाम मोदी सरकार ने जीवित किया है जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी का। हमारे कुछ कार्यकर्ता, ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता या आम समाज के कार्यकर्ताओं के कुछ कंसर्न है, इस चुनावों के बाद चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, उसके बाद उनके भी वो विशेष सभी उनका भी हम ही समाधान करें। सर, आप कह रहे हैं, देखिए आज चारों दिशाओं में बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, दलित समाज, ओबीसी समाज, गांव, शहर, पहाड़, मैदान, जम्मू कश्मीर, हर जगह सिर्फ बीजेपी है। अपोजिशन को, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं कि उनको इलेक्शन में किसे खड़ा। सर, इसके अलावा बीजेपी का अध्यक्ष होने के नाते मुझे 5 की 5 सीटें जीतकर मोदी जी को गिफ्ट देना, ये मेरी जिम्मेवारी है। उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट हो, जम्मू रियासी सीट हो, अनंतनाग रजौरी है, श्रीनगर है और बारामूला, ये 5 की 5 सीटें बीजेपी जीते, ये मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, असेंबली इलेक्शन होनी चाहिए थी, वो भी साथ वो भी हो जाएंगे।